गुड मॉर्निंग, वेलकम इन योर SST ज्योग्राफी क्लास, लेसन 2, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आर टुडेज टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। सो डू यू नो हाउ टाइम वॉज मेजर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक? जब क्लॉक नहीं थी तो टाइम कैसे पता चलता था? येस, द बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द अदर प्लैनेट्स। जो अर्थ की, मून की और जो अदर प्लैनेट्स की मूवमेंट होती थी, उससे हमें टाइम का पता चलता था। नाउ यू नो कि सन जो है वो एवरीडे राइजेज होता है और सेट्स होता है एवरीडे। सो बाय नोइंग द पोजीशन ऑफ द सन आल्सो वी कैलकुलेट द टाइम। मींस द शेडो कास्ट बाय द सन व्हिच इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज और सनसेट, यानी कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो सन की जो शेडो होती है वो बिगेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है, लेकिन जब नून होता है, 12 नून होता है, एट दैट टाइम इट इज शॉर्टेस्ट। बट इन दिस वे वी कैलकुलेट लोकल टाइम। टू नो टाइम एग्जैक्ट ऑन क्लॉक विल सी दिस। नाउ सी, दिस इज वर्ल्ड मैप एंड दिस इज हियर ग्रीनविच लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। आई टोल्ड यू अर्लियर इंग्लैंड, ओके, दिस इज इंग्लैंड। सो दिस इज ग्रीनविच, you are looking in the dots, that is Greenwich line. With the help of this line we get to know the time. Isko humne kya maan liya hai, zero, and jo earth hai wo 360 degree rotate karti hai 24 hours mein, to humne degrees wo divide kar li, so 1 hour mein wo 15 degree कैलकुलेट करते हैं हम, ओके। सो सपोज अगर यहाँ पर जब व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ the sun at the highest point in the sky, so at that time the time will be midday or noon, yani ki 12 noon hoga time, okay. But earth jo hai wo west se east ki taraf rotate karti hai, to jo iske east mein hoga 15 degree, wahan par jo time hai wo 1 hour zyada ho jayega, yani ki 12 noon hai to kitna ho jayega, 1 pm, okay. Aur isse piche jo time hoga, pehle jo time aayega, before jo time aayega, wo kya ho jayega, -1, यानी कि 11 AM, ओके, 11 AM 15 डिग्री पीछे से ग्रीनविच से, पहले जो 15 डिग्री होगा वहाँ पर 11 AM हो जाएगा, ग्रीनविच पर टाइम 12 है तो, और उसके 15 मिनट आगे वाले जो प्लेसेस उस लाइन पर आते हैं उन पर 1 PM हो जाएगा। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो व्हेन वी मूव टूवर्ड्स ईस्ट द टाइम इंक्रीजेज, टाइम बढ़ जाता है, एंड इट रोटेट्स 360 डिग्री एंड 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में मूवमेंट होती है अर्थ की। सो जब जब हम ईस्ट की तरफ जाते जाते हैं टाइम भी इंक्रीज होता जाता है। नाउ सी इन मैप इंडिया, इंडिया में टाइम जो है वो 5.5 आवर बढ़ जाता है। सो वेन एवर टाइम 12 o'clock एट प्राइम मेरिडियन इट विल बी 5:30 इन इंडिया। So if it is 12 noon at prime meridian in India, it will be 5:30 PM. In the same way, when Greenwich time will be 12 noon, so 180 degree par jo time hoga, that will be 12 midnight. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is the highest point in the sky. इट विल बी मिड डे, और जो टाइम दिखाया जाएगा इस वॉच के द्वारा दैट विल बी कॉल्ड लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। और एक ही लॉन्गिट्यूड पर जितने भी प्लेसेस होंगे एक मेरिडियन पर, उनका जो लोकल टाइम है वो सबका सेम होगा। नाउ वी विल रीड अबाउट स्टैंडर्ड टाइम। सी, दिस इज इंडिया मैप। There are 3 meridians passing through India. One is 68 degree east, 82.5 degree east and 97 degree east. So the time will be different on each meridian. So if we calculate the exact time, it will be 1 hour and 45 minute difference between these meridians. So the time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam here, it will be a difference of 1 hour and 45 minutes. So it is therefore necessary to adopt the local time of some central meridians of a country as the standard time for the country. Yani ki 3 time na hokar 1 time, ek standard time liya gaya, that is called standard time. And in India the longitude
of 82.5 degrees east is treated as the standard time for whole the country. It is known as the Indian Standard Time, IST. And why we need in standard time? Because if suppose कोई train है यहाँ से वो चली तो time difference जो है वो 1 hour and 45 minutes का है. So how the people get to know कि यहाँ का time अलग है, यहाँ का time अलग है, यहाँ अलग है. So that's why it is necessary to give a same time to whole the country to run it properly, like trains and other means of transport and other things also. That's why if on prime meridian the time will be 12 noon, we have taken in India time 5:30 p.m. So it will be the standard time of India and it will be for the whole country.